जलम पुण्यम पापनाशनम सरयू जलम समर्पयामहे। सिंदूरम च गुलालम च वा चंदनम चंदनम पुण्यम पापनाशनम विलेपनम सुमनोहरम चंदनम समर्पयामहे। ओम पय स्नानम समर्पयामहे, दूध स्नानम समर्पयामहे, मधु स्नानम समर्पयामहे, शीतला देवता आह्वानम समर्पयामहे। जय जय माता जगद्गुरु प्रार्थना देवी दुर्गा स्वतस्तु वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसंप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहि हरणजटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निर्दलन समुद्र तृणलंका पौरवादि हनन कुंती सुता पालनं यदुति श्रीमद भगवत पुराण कथति श्री कृष्णा लीलावृतम। सकल गुण निदान वानरानां देशम रघुपति प्रभक्त्वात् जातम नमामि नमामि भक्तवत्सलम्। अब चंदन रखा होगा, तिलक गुलाल जो भी है रोली वो लगा ले एक दूसरे को। पहले सबसे पहले दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में ले लीजिए, छोटी उंगली के बगल वाले में, और एक दूसरे को सम्मान के साथ लगाना है। ओम चंदन स्मत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करिष्यणिम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पावये श्रीअम्मा। सभी को लगा दे, दादा दादी को भी लगाइए, आप ही लगा दीजिए भाई साहब। हाँ, कलावा एक दूसरे को बांट दीजिए सबको, पीछे के लिए भी हो सबके लिए, तो सबको पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः। तत्पश्चात गुरु चेतना का आवाहन करते हैं। गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मार्गवल्लालये पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्ताय प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
गायत्री का जो कि सद्ज्ञान और सद्भाव देने वाली है, सद्बुद्धि देने वाली है, उनका आवाहन किया जा रहा है। आप सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर उनका आवाहन पूजन करें। ओ माया तुर्दे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवाजये गायत्री छंद सम्पादा ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः आमायामि स्थापयामि ध्यायामि। शीतला माता का आवाहन करें, हाथ जोड़े, क्योंकि हमारी शीतला माता हमें संरक्षण देती है अपने गोद में रहने का, चाहे गांव में रहे या नगर में रहे, शीतला माता का बहुत स्थान हमारे जीवन में है। आइए उनका आवाहन करें। ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आइए हाथ जोड़े, शीश झुकाकर सभी लोग पीछे जितने भी बैठे हैं हाथ जोड़ेंगे, आवाहित स्थापित देव शक्तियों को नमन वंदन करेंगे, नमन करेंगे, नमस्कार करेंगे। ओम नमो अनंताय सहस्रोरे में, थाल में जो भी सामग्री रखी है, पुष्प है, अक्षत है, धूप है, दीप है, यज्ञोपवीत इत्यादि होगा, जनेऊ भी, सबको एक साथ ले लीजिए। पंचोपचार पूजन करेंगे देव शक्तियों के। पूजन के क्रम में जो भी है, अगर सुपाड़ी हो तो सुपाड़ी भी ले ले, आप लीजिए, दादाजी आप ले लीजिए, सभी सामग्री एक साथ ले लें। वहां पे जनेऊ भी रखा होगा, है ना, कलावा भी ले लीजिए, पुष्प अक्षत भी ले लीजिए, सभी एक साथ लेके, और नारियल भी ले लीजिए, नारियल भी ले लीजिए, और समर्पित करेंगे। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः, गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब थाली में पांच चावल की ढेरी अलग अलग रंगों में रखी है, उसको बाबू के पास सामने रख दीजिए नीचे जी, या वहीं खड़े, उनको खड़े होते होते बन जाएगा, पूजन करते ऊपर ही रहने दीजिए, उसको मत हिलाइए, सामने आ जाइए बेटा। हाँ, इनके हाथ में अलग अलग पांच बार आपको अक्षत पुष्प देते रहना है, ध्यान रखिएगा। अब केवल जन्मदिन का कर्मकांड यहां पर हो रहा है, अभी तक तो केवल देव सुतियों का आह्वान हुआ अपने। इनके हाथ में केवल पीला चावल और फूल दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ, पांच बार आपको देना है, उसका महत्व तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पंच तत्व पूजन, पंच तत्व अर्थात पांच प्रकार के तत्वों की पूजन कर रहे हैं। ये सृष्टि पांच तत्वों से मिलकर बना है, हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, है ना, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पांच तत्व होते हैं, इसके अलावा छठवां तत्व नहीं होता। संसार पूरा इसी से निर्मित होता है, ये हमारा शरीर, हमारा शरीर एक दिन चला जाएगा तो बचेगा क्या, एक चुटकी राख के रूप में हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको याद करनी है तो पंच तत्व को, उन पांचों तत्व को और उस राख को याद करना है। इसलिए उन पंच तत्वों को हम याद करते हुए उनका पूजन करते हैं, वो पांच तत्व देवताओं की तरह होते हैं। तो आइए उन पांचों तत्वों को यहां से सूत्र हम बोल रहे हैं, उसके आधार पर आप दोहराते हुए उनका पूजन करेंगे। सबसे पहले बोलिए ओम श्री असाम, पथे पथे चरिष्याम चरिष्याम। सबसे पहले पृथ्वी माता, ओम मही दौ पृथ्वी चना, समर्पित कर दे हरा कलर में। अब वरुण देवता के लिए, ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा सृष्टे यजमानो हविर्भिः हेडमानो वरुणे बुद्ध ऋषभगुं समानायु प्रमोषीः, ओम वरुणाय नमः। अब लाल तत्व में समर्पित करेंगे, ओम तम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो यस्य शिष्टाः यजिष्ठो वरे तमस सोसुजानो विश्वादेशागं सुप्रमनोद्यस्वतः, ओम अग्नये नमः। समर्पित कर दे सफेद कलर में, ओम आलो नेद्वे सतिनी भिरद्वरत्वं सहस्त्रविणे याजियहिं वायो अस्मिन् सवने
मायस्वस्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ओम वायवे नमः आवायामि स्थापयामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं समर्पयामि। एक पीला कलर है जी। ओम यावाकशा मध्यमत्यस्विना सुनृतावती तया यज्ञम निमिक्षताम उपयाम गृहेतोस्यभ्याम त्वयिस्ते योनिर्मातृभ्याम त्वा ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सामने जहां पर उसका हाटी की दिया है ना उसको ऐसा कर किया जाता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दीपक जलाकर भी जन्मदिन मना सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती फूंक के नहीं, दीप जला के ही आपको जन्मदिन अपने बच्चों का मनाना है। चलिए मंत्र यहां से बोला जा रहा है, ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मद्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्ति विधेम। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, आहुति का क्रम होगा, बालक के लिए हम शुभकामना करेंगे, अंत में आशीर्वचन होगा अलग बात है, लेकिन उसके पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपना आशीर्वाद बाद में देंगे, पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाकाल इस नन्हे से बालक के अंदर जो प्रतिभा है जितनी विद्वता है उसे आप और निखारें, ये आगे से आगे बढ़ते जाएं और ये पूरे परिवार का माँ बाप का नाम रोशन करें और ये विद्वान के रूप में सारी दुनिया में फैले, इनका नाम हो, ऐसी प्रार्थना है। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। वे स्वाहा शब्द के साथ में श्रद्धा पूर्वक अपनी आहुति समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृजोरुचिरमामृताय स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं के क्रम में अंतिम पूर्ण आहुति करते हैं, चूंकि यज्ञ का भी रूप हुआ इसलिए आइए पूर्ण आहुति, सभी लोग कमर सिद्धि करके बैठे पूर्ण आहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णवं स्वाहा। सभी भाव ब्रह्म वेदांत वदन्ति पर
अपनी जगह पर परिक्रमा कीजिएगा। ओम ज्ञानि कानि च पापानि ज्ञातानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। आरती संभव हो तो सब तक पहुंचा दे और अब आशीर्वाद का क्रम चलेगा। वहां बिठा दीजिए उनको, बालक को।